अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10 मिनट्स में फटाफट से बनने वाली हैदराबादी फेमस अंडे का कहीना रेसिपी को डिफरेंट स्टाइल में शेयर करेंगे। इसको रोटी साथ, फुल के साथ, चावल साथ साइड डिश में ले सकते हैं। इस कहीना बनाने के लिए हमने कढ़ी में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। ऑयल हीट होने पर इसके अंदर 300 ग्राम्स अनियन को हमने इस तरह से कट करके डाल लिया है। इसके साथ 4 हरी मिर्च को भी डाल लेंगे। 4 हरी मिर्च आपके हिसाब से ले सकते हैं। और इसके साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐड करके टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड करेंगे। और इस प्याज को, अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छी तरह भून लेते हैं 5 मिनट हाई फ्लेम पे ही। नमक डाल के प्याज को भूनने से जल्दी ये प्याज पक जाएगी। यहाँ पे देखिए, हमने प्याज को भूनते वक्त ही इसके अंदर 1 तेज़पत्ता और इस खड़े मसाला को ऐड करेंगे। खड़े मसाले में हम 4 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े को पाउडर बना के ऐड करते हैं। ये प्याज यहाँ फ्राई होते जाएगी और हमने यहाँ पे मसालों को भी ऐड करते फ्राई करते जाएंगे। प्याज का साइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्याज का क्वांटिटी कम हो गया है और हमने 5 मिनट भून लिया है। इसके बाद हम फ्लेम को लो करके इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मसाला, यहाँ पे मसाला आपके हिसाब से ले सकते हैं, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला का ऐड करेंगे। और इस सारे मसालों को फिर से भून लेते हैं हम। फ्लेम यहाँ पे लो पे रखी हुई है और इसको भून के अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद प्याज में इस मसालों का थोड़ा सा प्लेस बनाते हुए इस कढ़ी में अंडे को फोड़ के डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने इसमें डालने के लिए 4 अंडे लिए हैं। 300 ग्राम प्याज के लिए 4 अंडे परफेक्ट रहेंगे। आप चाहे तो प्याज को और अंडे को बढ़ा के बना सकते हैं इस कगीना को। यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ी देर 5 मिनट इसको ढाप के लो फ्लेम में पकाया हुआ है। 5 मिनट के बाद इस अंडे भी अच्छी तरह पक गए हैं और इस अंडे को हम टर्न करके इनकी साइडों को चेंज करके और 5 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं और इसको टर्न करके पकाने से और मज़े का लगेगा। ये अंडे का कगीना यहाँ पे देखिए, हमने टर्न कर लिया है। फिर से हम इसको लीड रख के 5 मिनट लो फ्लेम में ही पकाएंगे। ये रेसिपी फटाफट से बन जाएगी 10 मिनट में और इसको बनाना आसान है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स घर में फटाफट से बना सकते हैं और इसे चपाती के साथ, रोटी के साथ, फुलके के साथ, राइस के साथ साइड डिश में ले सकते हैं और पराठे के साथ भी मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको इस रेसिपी कैसे लगेगी कमेंट करना ना भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा कगीना रेडी हो गया। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। टेस्टी टेस्टी डिश को ज़रूर ट्राई करिए और फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिए इस रेसिपी को। हैदराबाद फेमस अंडे के कगीना रेसिपी को हमने डिफरेंट लुक में शेयर किया है। अगर आपको पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ सपोर्ट मी हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपके होम पेज पे आ जाएगी हमारी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।